ऑल द टफेस्ट रोड्स लीड टू द स्वीटेस्ट एवर डेस्टिनेशंस। नहीं समझे तो ये देखो, मिशन केदार अकॉम्प्लिश्ड एंड द बकेट लिस्ट सॉर्टेड। तो होटल का चेकआउट टाइम 10 बजे था, तो हम लोगों ने लगेज नीचे लगेज रूम पे रख के यहाँ पे लाइन देने के लिए आ गए। बाकी के लोगों को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लाइन दिया है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे केदारनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे जो फिरिया देख रहे हो, यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, बट दिस इज लाइक ऑफ सीजन। एज पर माई नॉलेज नवम्बर टू अप्रैल उकी मठ खुला रहता है, और फ्रॉम मे टू अक्टूबर एंड केदारनाथ खुला रहता है। उसने देखा लाइन के बीच में, वो मुझे पता नहीं क्या लिया तुमने। कितने रुपये का पूजा है? 200। ओके बॉस, क्या हाल है? बढ़िया। आप पूजा नहीं दोगे? हाँ पूजा दोगे ना, और पीछे लाइन दोगे। एक दो जन ठीक है, पर 10 जन एक साथ। हाँ वही बात है, ठीक है चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बहुत सारा दुकान भी है, आप पूजा देना चाहते हो तो यहाँ से सामान खरीद सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोजली। हम लोग आएंगे, हम लोग बाकी की टीम भी आ रहे थे एक्चुअली, हम लोग शूट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए। कितना दिन केदारनाथ खुला है भाई? दूज लाइक अक्टूबर दिवाली तक, उसके बाद वो उकी मठ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑफ सीजन चल रहा है, लाइन बहुत कम है। हम लोग आते हैं। All the toughest roads lead to the sweetest ever destinations. नहीं समझे तो ये देखो, मिशन केदार अकॉम्प्लिश्ड एंड द बकेट लिस्ट सॉर्टेड। तो सच बताओ, केदारनाथ में आने का ड्रीम बहुत दिनों से था। फरवरी एंड में जब हम लोग ऑली आए थे कि हाँ एक बार तो केदारनाथ में आना ही है, तो देखो फाइनली पहुंच गए। लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एकदम पीछे वहाँ से इधर होके पूरा राउंड मार के वहाँ पे जाके आपको एंट्री लेना पड़ेगा। मैंने ये भी सुना रात को 2:33 से लोग यहाँ पे आ जाते हैं लाइन देने के लिए, मतलब क्रेज देखो कितना है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट अभी दिवाली तक ही खुला है केदारनाथ, उसके बाद जो उकी मठ है, उकी मठ में केदारनाथ का जो डेटीज है वो वहाँ पे ट्रांसफर होगा। उकी मठ हम लोग इसी ईयर फरवरी के एंड में जब ऑली गए थे तब विजिट किए थे। केदारनाथ में आने का तो मन था बहुत दिनों से। ओह, एक बकेट लिस्ट सॉर्टेड। Someone has rightly said, better late than never. And right now I am here at Kedarnath. My dream becomes reality. Jai Shiva Shambhu. भोलेनाथ पार करेगा। Literally बताओ, कल रात को जब आए थे इतना ठंड लग रहा था, temperature was around 1-2 degree. रात को बोल रहा था कि 0 degree के आसपास भी चला गया है। अभी धूप निकलने के कारण ठीक लग रहा है, मतलब एकदम होता है ना pleasant, fine temperature वैसा है, जो एकदम perfect है मंदिर में line देके अंदर जाके पूजा देने के लिए। एंड बाकी के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ थोड़ी ही देर में। मैं थोड़ा जल्दी आ गया ये व्यू देखने के लिए। रात को भी आए थे पीछे वो बैकग्राउंड का व्यू का फोटो लेने के लिए, उसका भी फोटो संजय के पास है। भैया जी से अब मैं सुनूंगा केदारनाथ के थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बोलिए क्या है। केदारनाथ पे जब पांडवों पे जो है कि अपने ही परिजनों और ब्राह्मण हत्या लगी थी, तो यहाँ पे शिव जी के दर्शन के लिए आए थे। भगवान शंकर ने जो है कि वो भैंसे का रूप ले लिया, तो भीम ने दोनों पहाड़ों की तरफ टांगे रख दी और बाकी बर्दर उनके उनको हाँकने लग गए, तो जो भगवान होंगे वो पैरों के नीचे नहीं जाएंगे। तो एक भैंस रुक गया और वो जमीन में घुस गया, तो पीछे से पकड़ ले जो अभी पिंडी है अंदर वो वही है। okay. और इसके आगे का सिर नेपाल पशुपतिनाथ में निकल गया। 2013 में जो डिसास्टर हुआ था उसके बाद क्या क्या चेंजेस आप लोगों को दिखा यहाँ पे? 2013 को हुआ था डिजास्टर, पूरा मलबा भरा था, पत्थर से फटा पड़ा था ये। अब धीरे धीरे चेंजिंग हो गया, काफी लंबा चौड़ा रास्ता हो गया है और ठीक हो रहा। कुछ 16 किलोमीटर लिखा था ट्रेक, बट ट्रेक वाज लाइक 22 किलोमीटर, तो वो इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा है? सर ये तो मुझे क्लियर नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ जो बोर्ड लगा रखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं बोला उत्तराखंड टूरिज्म को थोड़ा जिम्मेदारी लेना चाहिए। पहले 14 था, 14 था, उसके बाद उन्होंने एक रास्ता बनाया टेम्परेरी। अच्छा, हो सकता है वो 16 रहा होगा या 17-18 रहा होगा, फिर नया बनाया उन्होंने, उसमें कुछ हो गया होगा। ओके, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। आपका नाम? अशोक सिंह। अशोक जी से सुना केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी आ रहे हो तो ये स्टोरी पता करके जरूर आना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये माला देखो, कुछ इसका खासियत है। भिंगराज फूल के माला है, ये
वो जिंदगी भर कभी खराब नहीं होती है, मतलब बोलो जिंदगी भर ऐसे ही जैसे की जैसे रहेगी, और इसको पानी से बचाना, पानी से बचाना है। ये यहाँ का हिमालयन पुष्प है भृंगराज। ओके, तो ये हर मौसम ये फूल यहाँ पे आता है क्या? सावन के महीने में, जुलाई अगस्त। बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू वन सेकंड। देख सकते हो बच्चे बूढ़े कैसे पागलों की तरह सेल्फी ले रहे हैं केदारनाथ मंदिर के साथ। या लेना भी चाहिए, इट्स लाइक ए वंस इन ए लाइफ टाइम मेमोरी। एक बात तो है, यहाँ पे आके मन को इतना सुकून और शांति मिल रहा है कि मत पूछो, मतलब एक बार लाइफ में जरूर आना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रेक है, अगर आप ट्रेक पे हैबिचुएटेड नहीं हो तो टेक अदर ऑप्शंस लाइक पोनी राइड और हेलीकॉप्टर राइड, उसका भी प्राइस इतना ज्यादा नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में था पहले, बट जब मैं 22 किलोमीटर कंप्लीट किया, नाउ आई कैन बिलीव कि हाँ, मैं कोई भी ट्रेक कर सकता हूँ, मीडियोकर ही सही, बट ट्रेक कर सकता हूँ। वो अभी मेंटल स्ट्रेंथ आ गया है। एक और चीज आपको बोल देता हूँ, आने से पहले माइंड को प्रिपेयर रखना, अगर वेदर खराब हुआ और क्लाउड डिपोजिशन हुआ तो केदारनाथ मंदिर के पीछे जो सफेद आइस केप माउंटेन पीक आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली इफ योर लक इज गुड लाइक ऑल ऑफ अस, देन ये जो बैकग्राउंड व्यू है विद द मंदिर इन फ्रंट, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल व्यू है। लोग सफाई भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि मंदिर की आसपास पूरा प्रोमाइसिस को ये लोग हमेशा साफ कर रहे हैं, दैट्स ए गुड इनिशिएटिव। मैं पूजा का सामान कितने करके, ये 151 में क्या आ रहा है? 150 के बाद कितने रुपए का? 200 में एक्स्ट्रा क्या है? ये कपड़ा। अच्छा, यहाँ पे 150 से स्टार्ट करके 5000 तक पूजा आप दे सकते हो। मैं पता नहीं 5000 में क्या क्या आएगा, हम लोग तो 150 या 200 में जो पूजा का सामग्री आएगा वही खरीद के हम लोग देंगे। अभी वही खरीदने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, जूता भी वहाँ पे खोलना पड़ेगा, लेट्स सी। तो जूता हम लोगों ने बाहर खोल लिया और सब लोग एक साथ जूता रख रहे हैं, यहाँ पे सेफ है, खाली पैर जाना पड़ेगा, फिर से ठंड लगने का चांसेस है। पानी से हाथ धो लेता हूँ, उसके बाद ही पूजा का सामग्री लोगे, इसी हाथ पे भी देना, ठीक है, थैंक यू। चलो लेट्स गो इनसाइड। संजय स्लाइटली कंफ्यूज, मेरे थाली में ओम नमः शिवाय लिखा है और उसके थाली में जय श्री राम लिखा है, ठीक है, सब एक ही अवतार है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। हम लोग बंगाल से आए। बंगाल से आए, बंगाल के हम महाराष्ट्र के, यहाँ मुलाकात होना था, हो गया, उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा मुलाकात हो। कितना देर लगा आपको आने को? बड़ा घंटा ऑलमोस्ट। हॉल्ट कहाँ करे? हॉल्ट यहाँ पे है। ऐसा, रात को यहीं पे थे। वापस जाना नहीं है? वापस जाना है, आज ही फिर से नीचे उतरना है, वो डाउन हिल है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेड 8 घंटे में हो जाएगा। मैं भी लाइन में था पर फोटो उठाने के चक्कर में लाइन से बाहर आ गया, बाकी के लोग मेरे लिए लाइन पे जगह रखे। इन द मीन टाइम हम लोग जब लाइन देते हैं, आप ये खूबसूरत सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। रेडी फॉर द टाइम लैप्स? 1 2 3। चंदन का पंखों से उठा लो प्रभु। सौविक ने उसका थाली और मेरा थाली हाथ में पकड़ के चले गए घर पे वीडियो कॉल करने के लिए और केदारनाथ जी का दर्शन करवाने के लिए फ़ोन पे। तो हम लोग तो वहाँ पे थे, मैं फोटो उठाने के चक्कर में लाइन तोड़ के बाहर आ गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग मंदिर के मेन एंट्रेंस के एकदम सामने खड़े हैं, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। वो दरवाज़ा खोलेगा, उसके बाद ही हम लोग अंदर जाएंगे। सच में बहुत कड़क धूप है, ये जैकेट पहन के मेरे को तो लिटरली गर्मी लग रहा है। ये मंदिर के अंदर जाता हूँ, उसके बाद पूजा ख़त्म करके जैकेट खोलना पड़ेगा। तभी मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा, अंदर कैमरा सख्त मना है, तो देखा तो कैमरा छीन लेगा। तो पूजा खत्म करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो पूजा देना हो गया, कैसे भी करके अंदर गया, एकदम बहुत भीड़ था अंदर,
एकदम धक्का मार के आगे पहुंच गया। उसके बाद ये पूजा दिया, थैंक्स टू माय एंटायर टीम कि मेरे को इतना कन्विंस किया और यहाँ पे लेके आया। और पीछे आप देख सकते हो क्लाउड्स अंदर घुस रहे हैं, टेम्परेचर अब्रप्टली चेंज हो रहा है। तो अभी प्लान बहुत सिंपल है कि तीन बार प्रदर्शन हो गया, अभी सब लोग मिलके एक ग्रुप फोटोशूट करेंगे, उसके बाद नीचे जाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि पहुँचते डाउन हिल है तो 7-8 घंटा एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा, तो शाम हो जाएगा पहुँचते वो गौरीकुंड एंड सोन प्रयाग। देखते हैं कब पहुँचते। मन तो कर रहा है यहाँ पे पूरा दिन बैठे रहो भगवान के चरण में। तो अभी सब इसको पैक मैक करके घर के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छे से पैकिंग कर दो, थैंक यू। ये हो गया पैकिंग। तो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं अभी। तुम बोले ना ऊपर जाना है। देखते हैं, वो सभी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सभी अगर जा रहे हैं। So as of now, bye bye केदारनाथ, see you soon in near future। हम दोनों का बस तो पूरा दिन यहीं पे बिता दे, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर अच्छा है, नहीं तो और भी रिस्क हो सकता है। वो ठीक है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। चलो लेट्स गो। तो ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन अभी ऊपर जाने का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। हम लोग सीधा जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। इट अराउंड 1:50 इन द आफ्टरनून। सो देखते हैं कब पहुँचते हैं। एक्सपेक्टेड हाथ में 7.5-8 घंटा लेके चलते हैं। और ये केदारनाथ में आने के लिए जो हेलीकॉप्टर राइड के बारे में बोल रहा था, जिसका भाड़ा 2500 रुपये है, वो हेलीपैड यहाँ पे है। आप देख सकते हो कितना लंबा लाइन है हेलीपैड पे। कल मैं देख रहा था लाइक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स 2-3 हेलीकॉप्टर पास कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो भीड़ देख लो सब जाने के लिए, बट हम लोग को क्या, हम लोग को तो उसे वही पैदल ही नीचे उतरना है जिसमें 8-9 घंटा लग ही जाएगा, उसमें ही मज़ा अलग ही है। देखा कैसे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, अभी वहाँ पे लाइन लग गया है हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए। एक और आ रहा है, एक और। ये वैली देख रहे हो, हम लोग जब कल आए केदारनाथ पे तो पूरा अंधेरा हो गया था। वी रीच्ड अराउंड 7:30 इन द इवनिंग। अभी जब नीचे जा रहा हूँ तो ये व्यू देख के लग रहा है भाई कल तो कुछ देखा ही नहीं, अभी कहाँ से ये सब आ गया। ओह माय गुडनेस, व्यू फॉर द लाइफ टाइम आई मस्ट से। सो ऑन द वे टू गौरीकुंड वी गॉट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग टू शूट, दैट इज फ्रोजन ग्लेशियर। ये कब से बना हुआ है कोई आइडिया नहीं है। फरवरी में लास्ट स्नोफॉल हुआ था उस टाइम से। देखो गुफा टाइप है और ऊपर से पानी भी टपक रहा है ना। कितने थे आप लोग? कहाँ से आ रहे हो? ये बालीगंज। बालीगंज हम लोग चढ़ापुली। ओके ओके। और हमारा साथ एक महाराज भी है। अच्छा अच्छा। नहीं हम लोग सब कोलकाता में जॉब करते हैं तो सब इधर उधर रहते हैं। सब शिव जी का वहीं। और लगभग 2.5-3 किलोमीटर राइट? हाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा। I hope you guys have really enjoyed this Kedarnath vlog series, and I have intentionally kept these two parts slightly longer just to show you the difficulties, the hardship, the challenges that we faced during this trail. So before wrapping it up, I want to highlight some of the key points that you should keep in mind if you are coming to Kedarnath in near future. First and foremost thing, don't be so overexcited after seeing that from Gaurikund to Kedarnath is 16 km return on the board. Boss, I am telling you, that is totally fake information. I don't know why Uttarakhand tourism has still kept those boards which are giving misleading information. We calculated it was around 21.75 km to be exact in our fitness tracker from Gaurikund to Kedarnath. Secondly, carry enough dry fruits, chocolates, biscuits if you are going to this trail, because on that top you will find one plate Maggi, 50 rupees, 1 liter water bottle, 50 rupees. So better to carry those things and also try to stay hydrated throughout this entire trail. Thirdly, it may not sound so important to many of you people, but trust me, carry this head torch throughout the entire trek. Don't be so dependent on mobile flashlights. It can be dangerous. You can find this kind of head torch at Decathlon or any shopping website like Amazon, Flipkart for mere like 300 to 400 bucks. So please buy it for your own safety.
Fourth point, if you have Airtel, Jio and BSNL SIM, then it's good to go at Kedarnath, because those SIMs work perfectly fine throughout the entire walk. People were doing video call by Jio SIM in front of Kedarnath just to showcase the entire beauty landscape to their family, friends. So that works perfectly fine. But in the trail, while walking, tower will be disruptive for sure. And final point, carry enough warm clothes, jacket, sweater, muffler, ear cover, because temperature drops abruptly at night. I think this all infos are enough to conquer Kedarnath. Baki sab upar Bholenath dekh lege. So aaj ke liye vlog ko yahi pe khatam karte hai. I hope you guys really enjoyed. If you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer, to get notified about such more exciting and our upcoming Tungunath vlog. Till then, goodbye. Take care. See you soon.